दोस्तों हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन पाने के लिए इस बेल आइकन को भी क्लिक करें। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं एक सिंह और दोस्तों टेक्नायक सर के एक और वीडियो में आपका स्वागत है और हैप्पी न्यू ईयर आप सभी को, नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं विश करता हूं कि 2021 जो हो वो 2019 जैसा हो या उससे बेटर हो, एटलीस्ट 2020 जैसा ना हो, कम से कम सुकून तो रहे। चलिए कोई बात नहीं, नया साल शुरू करते हैं। जनवरी में सबसे अच्छे 5 स्मार्टफोन जो 10,000 के अंदर आपको मिल जाते हैं। लास्ट में मैं कुछ ऐसे भी स्मार्टफोन बता दूंगा जो थोड़े पैसे ऐड करके भी आपको मिल जाएंगे और अच्छे स्पेसिफिकेशन वाले, लेकिन 5 स्मार्टफोन अगर आपका बजट 10,000 रुपए है तो मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट कौन से हैं उनके लिए। चलते हैं वीडियो की तरफ। पसंद आया लाइक कमेंट शेयर कर देना, नहीं पसंद आया डिसलाइक कर देना, मुझे बता देना क्यों नहीं पसंद आया। और इंस्टाग्राम पे भी आ सकते हो, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, कुछ भी पूछना है इंस्टाग्राम पे आ जाओ, सबको आंसर्स मिलते हैं, आपको भी मिल जाएंगे। चलते हैं वीडियो की तरफ, लेट्स गेट स्टार्टेड। करीब करीब 1.5 महीने पहले नवंबर एंड के टाइम पे मैंने लिस्ट बनाई थी उसकी, एंड अच्छी चीज है। चलिए कोई बात नहीं, चेंज हो गए कुछ स्मार्टफोन, एक दो तो वही हैं लेकिन मोस्ट ऑफ देम चेंज हो गए हैं। सबसे पहले पांचवें नंबर पे चलेंगे, उसके बाद पहले नंबर पे जाएंगे। पांचवें नंबर पे इसमें आता है टेक्नो पोवा। टेक्नो की तरफ से स्मार्टफोन है, नया स्मार्टफोन लॉन्च हुआ है, डिजाइन में बहुत अच्छा है एंड 10,000 के हिसाब से आपको स्पेसिफिकेशन भी काफी अच्छे देता है। सबसे पहले डिस्प्ले डिजाइन की बात करेंगे तो इसमें आपको 6.8 इंच का बड़ा डिस्प्ले मिलता है, वो भी पंच होल के साथ, देखने में लिटरली बहुत अच्छा लगता है। रियर साइड पे जाओगे तो आपको क्वाड कैमरा का सेटअप है, फिंगरप्रिंट स्कैनर है और डिजाइन अच्छी है देखने में। मीडियाटेक G80 का चिपसेट है तो गेमिंग ग्राफिक्स अच्छी तरह कर लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, 10,000 के हिसाब से अच्छी खासी गेमिंग कर लोगे। देन उसके बाद अगर कैमरा में जाओगे तो रियर साइड पे आपको 16+2+2+1 AI का सेंसर, मतलब 16 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर है, 2 मेगापिक्सल के मैक्रो और डेप्थ सेंसर्स हैं, एक AI का सेंसर दिया हुआ है आपको, 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया हुआ है, फोटोग्राफी अच्छी खासी कर पाओगे, 6000 mAh की बड़ी बैटरी है, 18 वाट का चार्जर है और उसके साथ साथ आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर और डेडिकेटेड स्लॉट मिलता है, यानी 2 सिम कार्ड के साथ SD कार्ड लगा सकते हो। प्राइसिंग की बात करें तो इसका 4GB 64GB जो है वो 10,000 रुपए में आता है, एक्जैक्टली 9,999 रुपीज में 4GB 64GB। बड़ा वेरिएंट भी है 6GB 128GB वाला जो आप 12,000 में ले सकते हो, लेकिन हम बजट 10,000 रख रहे हैं तो 4GB 64GB वाला 10,000 की प्राइस में वन ऑफ द बेस्ट है, नंबर 5 पे मेरी लिस्ट में आता है दोस्तों। अगले नंबर पे चलते हैं, चौथे नंबर पे ये है इन्फिनिक्स का हॉट 10। इसमें भी 2 वेरिएंट है, एक है 4GB 64GB जो कि 9,500 का आता है, 500 रुपए कम है, दूसरा है 6GB 128GB जो कि 11,000 रुपए में आता है। स्पेसिफिकेशन में थोड़े से चेंजेस हैं, थोड़ा कम किया गया लेकिन प्राइस भी कम है, इसीलिए मैंने इसको थोड़ा बेटर रखा हुआ है। नॉर्मली अगर आप डिस्प्ले की बात करोगे तो इसमें भी आपको 6.8 इंच का HD+ का IPS का पैनल मिलता है पंच होल के साथ, अच्छी चीज है। रियर साइड पे अगेन आपको क्वाड कैमरा का सेटअप है, देखने में स्मार्टफोन ये भी अच्छा लगता है एंड उसके साथ साथ इसमें मीडियाटेक का G70 का चिपसेट आता है, याद रखना है। तो ठीक है, G70 का चिपसेट है, गेमिंग ग्राफिक कर लोगे, G80 G70 में बहुत ज्यादा डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा, थोड़ा सा ही डिफरेंस है, अच्छी बात है। देन उसके साथ साथ गेमिंग ग्राफिक सारे कर लोगे। कैमरा की बात करें, अगेन सेम कैमरास वही वाले हैं जो आपको टेक्नो पोवा में मिलते हैं, यानी 16+2+2+1 AI का सेंसर, फ्रंट साइड में 8 मेगापिक्सल का सेंसर, परफॉर्मेंस सेम है, ज्यादा कोई डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा, 5200 mAh की बैटरी है, 18 वाट का चार्जर है, अच्छी चीज है। देन उसके साथ साथ आपको इसमें भी फिंगरप्रिंट स्कैनर और डेडिकेटेड स्लॉट मिलता है। प्राइसिंग जैसे मैंने कहा 9,500 में आपको 4GB 64GB मिलता है, तो अगर 500 रुपए दे सकते हो ज्यादा तो आप टेक्नो पोवा की तरफ चले जाओ, अगर आपका बजट 9,500 के आसपास है तो आप इन्फिनिक्स हॉट 10 की तरफ भी देख सकते हो, दोनों अच्छे हैं, जो आपको पसंद है उसे आप पिक कर सकते हो दोस्तों। अब बात करते हैं नंबर 3 की, इसमें आता है रियलमी का नार्जो 20A। स्मार्टफोन का प्राइस 3GB 32GB 8,500 रुपए, 4GB 64GB 9,500 रुपए, यानी 10,000 रुपए के अंदर दोनों आ जाते हैं। स्पेसिफिकेशन की बात करोगे तो इसमें भी आपको 6.5 इंच का HD+ का डिस्प्ले मिलता है वाटर ड्रॉप नॉच के साथ, रियर साइड पे ट्रिपल कैमरा का सेटअप है, फिंगरप्रिंट स्कैनर है, अच्छी चीज है। चिपसेट की बात करोगे तो स्नैपड्रैगन 665 का चिपसेट आता है, गेमिंग ग्राफिक्स अच्छी खासी कर लोगे, कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगा, रियर साइड पे ट्रिपल कैमरा का सेटअप है, 12+2+2 का, फ्रंट में 8 मेगापिक्सल का सेंसर है, अच्छी खासी फोटोग्राफी कर लोगे 10,000 के हिसाब से, अंडर अगर 10,000 देखोगे तो, 5000 mAh की बैटरी है दिया गया है, डेडिकेटेड स्लॉट है, फिंगरप्रिंट स्कैनर है, यानी सारी चीजें ऑलमोस्ट आपको मिल जाती हैं। प्राइस के हिसाब से मैं कहूंगा जस्टिफाइड है, 8,500-9,500 के हिसाब से अगर आपको स्मार्टफोन चाहिए तो वन ऑफ द बेस्ट स्मार्टफोन्स है। देखना चाहते हो रियलमी नार्जो 20A की तरफ, अच्छा फोन है, फ्लिपकार्ट आपको मिल जाएगा, डील अच्छी है दोस्तों। अब आते हैं नंबर 2 स्मार्टफोन पे। नंबर 2 पे आता है Redmi की तरफ से Redmi 9 Prime। इसका 4GB 64GB 10,000 रुपए में आता है। स्मार्टफोन अच्छा है, वन ऑफ द बेस्ट है, क्योंकि ये वो सारी चीजें देता है जो अभी तक किसी स्मार्टफोन ने तीनों में नहीं दिया था। सबसे पहली बात की बात करें
तो आपको इसमें 6.5 इंच का फुल एचडी प्लस का डिस्प्ले मिलता है, वो भी वाटर ड्रॉप नॉच के साथ। अच्छी चीज है फुल एचडी प्लस डिस्प्ले, बाकी तीनों में नहीं था याद रखना। इसके साथ साथ रियर साइड पे जाओगे तो आपको क्वाड कैमरा का सेटअप है, फिंगरप्रिंट स्कैनर, यानी वो सारी चीजें मिल जाती हैं जो एक स्मार्टफोन में चाहिए। मीडियाटेक का G80 का चिपसेट है, गेमिंग ग्राफिक्स अच्छी खासी कर लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। देन उसके बाद आगे जाओगे तो इसमें आपको क्वाड कैमरा का सेटअप मिलता है, 13+8+5+2 मेगापिक्सल का, 13 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर है, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर, 5 मेगापिक्सल का आपको मैक्रो लेंस मिलता है और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर, 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा भी है, फोटोग्राफी अच्छी खासी कर लेता है अपने प्राइस के हिसाब से। देन इसके साथ साथ 5000mAh की बैटरी है, 18W के चार्जर का सपोर्ट है, याद रखना 18W के चार्जर का सपोर्ट है, चार्जर नहीं आता, 10W वाला ही आता है। देन उसके साथ साथ फिंगरप्रिंट स्कैनर है, डेडिकेटेड स्लॉट है, 4GB 64GB 10,000 रुपए। अमेजोन पे देखना चाहते हो देख सकते हो, लिस्ट में है ये दूसरे नंबर पे दोस्तों। अब आते हैं नंबर वन पे, नंबर वन पे वो स्मार्टफोन है, एक्चुअली लास्ट वाले वीडियो में Redmi 9 Prime जो था वो नंबर वन पे था, अब जो स्मार्टफोन आया है नंबर वन पे वो एक्चुअली Redmi 9 Prime ही है, बट नाम अलग है। बात कर रहे हैं पोको M2 की, जब लास्ट वाला वीडियो मैंने बनाया था तो उस टाइम उसका प्राइस 10,500 रुपए था, अब 500 रुपए कम करके 10,000 एग्जैक्ट प्राइस कर दिया है उसका, 6GB 64GB का। मैं बात कर रहा हूँ पोको M2 की, सेम स्मार्टफोन है जैसे Redmi 9 Prime है, वही सेम है, सिर्फ आपको रैम ज्यादा मिलता है 2GB, यानी 6GB रैम और 64GB इनबिल्ट स्टोरेज मिलता है, प्राइस वही है 10,000 रुपए, आपको फ्लिपकार्ट में मिल जाएगा। सेम 6.5 इंच का आपको फुल एचडी प्लस का डिस्प्ले है, क्वाड कैमरा है रियर साइड पे, 13+8+5+2 वाला, 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है, मीडियाटेक G80 का चिपसेट है, 5000mAh की बैटरी है, 18W के चार्जर का सपोर्ट है, देन उसके साथ साथ डेडिकेटेड स्लॉट है, फिंगरप्रिंट स्कैनर, सेम स्मार्टफोन ही सेम है पूरा, सिर्फ 2GB रैम आपको एक्स्ट्रा मिलता है और नाम अलग है, स्टिल आपको उतना ही पैसा देना पड़ता है 2GB रैम के लिए भी, यानी ज्यादा नहीं देना पड़ता आपको। तो मेरे हिसाब से नंबर वन पोको M2 है इस लिस्ट में, देखना चाहते हो इसकी तरफ देख सकते हो, फ्लिपकार्ट में मिलता है 6GB 64GB सिर्फ 10,000 रुपए में दोस्तों। इसके अलावा कौन कौन से स्मार्टफोन इसी बजट में आते हैं जिनकी तरफ आप देख सकते हो, पहला है सैमसंग गैलेक्सी M11, दूसरा है माइक्रोमैक्स 1B इन 1B, तीसरा रियलमी C15 और चौथा है रेडमी 9। ये स्मार्टफोन है जो 10,000 के नीचे आते हैं, इनकी तरफ अगर आप देखना चाहते हो तो देख सकते हो, और अगर आप 500 से 1,000 रुपए बढ़ा सकते हो तो कुछ स्मार्टफोन है उनकी तरफ आप देख सकते हो, जैसे रेडमी 9 पावर है, रियलमी नार्जो 20 है, माइक्रोमैक्स का इन नोट 1 है, वीवो U20 है, देन उसके साथ टेक्नो कैमोन 16 है, इन्फिनिक्स का नोट 7 है, ये सारे स्मार्टफोन 11,000 की प्राइस के आसपास आते हैं, यानी 1,000 अगर आप इंक्रीज करते हो तो ये स्मार्टफोन आप ले सकते हो। कैसे लगे लिस्ट जरूर बता देना, पसंद आया लगे मंडे शेयर कर देना, नहीं पसंद आया डिसलाइक कर देना, मुझे बता देना क्यों पसंद है, और भी बहुत सारे वीडियोस हैं भी चेक कर सकते हो, मुझे सपोर्ट भी कर सकते हो, सपोर्ट देने खास नहीं करना, साइड में देखो वेक्ट इमेज उस पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो और मुझे सपोर्ट कर सकते हो। कैसा लगा जरूर बता देना और इंस्टाग्राम पे आ जाना, कुछ क्वेरी है कुछ क्वेश्चन है पूछ सकते हो, सबको आंसर्स मिलते हैं आपको मिल जाएंगे। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।